हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आई होप आप सब अच्छे होंगे. सो इट्स अ वीकेंड एंड वी आर थिंकिंग टू गो समवेयर. एक्चुअली वी आर आल्सो गोइंग समवेयर व्हिच आई विल नॉट टेल यू टुडे. बट हां, उसके लिए हमें कुछ कुछ तैयारी करनी है. हमने कर ली है थोड़ी तैयारियां, बट अभी बहुत तैयारियां पड़ी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लड़कियों की लिस्ट में नंबर वन होता है वो है शॉपिंग. तो शॉपिंग अभी तक हमारी हुई नहीं है. अभी हम जा रहे हैं खान मार्केट, देखते हैं कि कुछ हमें वहां से मिलेगा कि नहीं. तो मेरे व्लॉग्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है शॉपिंग वॉपिंग के ही हो रहे हैं, बट चलो जो भी है आई वॉन्ट टू शो इट टू यू. लेट्स गो. डार्क है तेरा लाइट है. और ये कितने महीने पहले का ये? 2 महीने. और तेरा 15-20 दिन हुआ. हाँ, इतना भी होगा. पर हाँ, इसको बोलते हैं सस्ते सस्ता काम, इसको बोलते थोड़ा महंगा काम. और इसकी लाइनों से अच्छी आपकी लाइनें हैं. हाँ, ये मैंने बनाई नहीं, पहनी है. तो यहाँ पे मार्केट में जो भी कपड़े थे, क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी हर एक चीज़ की. एंड बहुत सारी शॉप्स थी, तो बहुत वैरायटी भी हमें मिल गई थी. फाइनली मैंने ले लिया एक ड्रेस. आई डोंट नो कैसी लगेगी, बट इट इज़ वेरी क्लासी. या इट्स द पैंट्स आर वेरी नाइस. पर यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा है ना. ये ना वो एक्सपेक्ट्स के लिए मार्केट है. एक चीज के लिए सफल हुआ है, बाकी इट इज लाइक. लेकिन और एक्चुअली आई वांटेड टू हैव अ कॉफी फ्रॉम अ वेरी पर्टिकुलर शॉप. भी हम वहाँ जाएंगे क्योंकि मेरे बहुत कम दिन रह गए यहाँ पे और मैं वापस यहाँ पे नहीं आने वाली हूँ. सो आई वाज लाइक माइट एज वेल द कॉफी इज ग्रेट बाय द वे. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग टाइम विद यू, क्योंकि मुझे आज इसके साथ नहीं आना था. ये बहुत फोर्स करके मुझे लाई है. एंड शॉपिंग भी इसका ही मोटो था, मेरा ज़्यादा नहीं था. पर जो लिया वो ठीक है ना. हाँ, सही है. पर बाकी चीज़ें वे 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 एक्सपेंसिव मुझे लगता है. ज़ारा वगैरह पे सस्ती मिल जाती हैं. ज़ारा और खान मार्केट सेम है भाई. ये वो एम्बेसी वाले जो रहते हैं यहाँ पे, उन्हीं के लिए बने हैं. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. वेरी वेरी एक्सपेंसिव. तो अभी हम कहाँ जाएंगे? वो कॉफ़ी पीने या साथ में कॉफी? अभी हम कॉफ़ी पीने जाएंगे, फिर हम शायद जीके जाएंगे. सो बहुत ज़्यादा चलने के बाद हमें फाइनली मिली कॉफ़ी शॉप, जिसका उपासना मेंशन कर रही थी पहले, लड्डूर. सो बेसिकली दिस इज़ लाइक अ फ्रेंच ब्रांड एंड रिटेलर ऑफ हाई एंड पेस्ट्रीज एंड कैंडीज. एंड लाइक द स्टफ़ वॉज रियली वेरी नाइस. यू कैन सी क्रोसॉन्स, मैकरोन्स ऑल ओवर द प्लेस. और बहुत ही क्यूट सेटअप था. तो फिर हम ऊपर गए कॉफ़ी पीने. एंड कहाँ पे 1.5-2 घंटे निकले हमें पता ही नहीं चला. अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी. ओके, सो कॉफ़ी वॉफी हो गई है. नाउ वी आर गोइंग टू जीके, क्योंकि वहाँ पे बैठे बैठे हमें कितना ना 2-2.5 घंटे हमने कॉफ़ी पीते हुए ख़राब किए. आइसक्रीम पे गलाते हुए ख़राब किए. बट नाउ वी आर गोइंग. तो फाइनली पहुँचे हम जीके. एंड जीके में एज यूजुअल बहुत ही रश था. पार्किंग के लिए भी मुझे लगता है हम आधा घंटा
से ज़्यादा खड़े रहे थे, बट फाइनली मिल गई। बैक इन जी के अगेन आफ्टर वन टू वीक्स, वी आर बैक इन जी के अगेन आफ्टर टू वीक्स। क्या खाएगी? सो फाइनली बहुत थक के हम कुछ खाने आए हैं, और यहाँ ये बहुत फेमस है डोलमा आंटी, तो सुना दिल्ली में बहुत फेमस है। और मोमोज से जितनी एक्सपेक्टेशन थी ये उतने ही बकवास थे, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बट एक्सप्रेशन से आपको लग रहा होगा मुझे मज़ा आया, बट इट वॉज़ लाइक नॉट गुड एट ऑल। एंड पानी पूरी वॉज ऑल्सो ओके। मुझे लगता है लुधियाना में खाना ज़्यादा अच्छा मिलता है स्ट्रीट फूड दिल्ली के हिसाब से। तो फाइनली बहुत थके खाने के बाद हम घर पहुंच चुके हैं। ओके, बहुत थक हार के आ चुके हैं, वहाँ पे थोड़ा खा लिया था, उसके बाद हमने प्रॉपर डिनर भी कर लिया, अब बस खाना यहाँ पे आया हुआ है। तो फर्स्ट थिंग विच आई डू इज अभी गर्म पानी पीती हूँ और उपासना को भी पिलाती हूँ, और बस अब रेस्ट कर गया। थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की थी एंड आई एम रियली हैप्पी टुडे जो मैं लेके आई हूँ। किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी या फिर इंस्टाग्राम पे डल ही जाएगा वेरी सून। तो आज फाइनली मैं जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। आज वैसे कोइंसिडेंट है कि फ्रेंडशिप डे पे हम लोग एक ही जगह पे हैं, आफ्टर 10 मिनट की दूरी पे भी हम लोग एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं, बिकॉज मैडम जी के पास टाइम ही नहीं है, इनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि कब मिलना है कब नहीं मिलना। भाई ऐसे मत बोल, तेरे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? रिम्मी का बहुत अच्छी जगह लेके जा रही है, जहाँ जगह पे मैं कभी नहीं गई हूँ, बट हमने रिव्यू सुना है। सो लेट्स सी हाउ वी स्पेंड आवर डे ओवर देयर, होपिंग फॉर द बेस्ट, होपिंग फॉर द बेस्ट एंड होपिंग फॉर हैप्पी आवर्स एज वेल, सो दैट वी कैन गेट वन ऑन वन। फाइनली सोचा है हम कहाँ जाए रिम्मी, इम्परफेक्टो या स्काई हाउस? स्काई हाउस हम सोच रहे हैं, इम्परफेक्टो गए हैं तो हम लोग स्काई हाउस एक्सप्लोर कर रहे हैं। फाइनली हमने आधा घंटा लगाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमने क्या खाना है और क्या पीना है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हैप्पी आवर भी है। फाइनली आफ्टर हैविंग फूड एंड ड्रिंक्स हम लोग सोसाइटी पहुँच गए हैं, और आई हैव सक्सीडेड टू ब्रिंग हर टू माई प्लेस फाइनली। इतने तरले कराने के बाद, करने के बाद 10-12 नोट कर दिया क्या? इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, उसे हील्स में चला ही नहीं जा रहा है। तो बहन अब पहुँच गया तो उतार ले, हाथ में पकड़ ले और चलते हैं। और हम हमेशा बेइज्जती कराते हैं क्या बंद से, हमारे पास कैश नहीं होता। और अभी तो हम दे के ही नहीं आए पैसे, अब हम इसके घर जाके फिर वहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि बेचारे हम तो यार रुक गया।